ठीक है, तो राउल्स लॉ का अपन स्टेटमेंट तो देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया, उसको समझ लिया कैसे क्यों है ना। अब हमको इसके ऊपर केस लेते हैं और हमको देखना है कि कैसे अपन न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अपने फॉर्मूला डेरिवेशन थोड़ा बहुत रहेगा, तो वो अपन देखते हैं ना केस लेके। तो केस वन अपन ले रहे हैं यहाँ पे राउल्स लॉ के लिए, केस वन फर्स्ट केस है ना। अभी ले रहे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का, ठीक है ठीक है, राउल्स लॉ। अब क्या बोला जाएगा, इसके दो टाइप बन जाएंगे, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए राउल्स लॉ। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब कि आप अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल है, आप ये भी कह सकते हो, और है ना, वेन बोथ कंपोनेंट, बोथ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स, आ गया ठीक। ऐसा अपन ने बाइनरी सॉल्यूशन लिए, बाइनरी मतलब कि जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन हमने लिए, इसमें दोनों कंपोनेंट हमारे लिक्विड है और दोनों क्या है, वोलेटाइल नेचर के भी, ठीक है, आओ तो समझते हैं। तो थोड़ा सा जब अपन ने इसका स्टेटमेंट समझाया तब भी अपन ने इसी तरह का कोई केस लिया था। अब देखो क्या है ये, थोड़ा सा ये तो ये अपन ने ऐसा एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें दोनों ही कंपोनेंट क्या है, हमारे लिक्विड है, ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट हमारे लिक्विड हैं और दोनों वोलेटाइल भी हैं, ठीक है। वापस से वही कर लेते हैं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और अब यहां इनकी वेपर भी बन गई है क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है, इसलिए दोनों की वेपर बनेगी, दोनों ही वोलेटाइल है इसलिए दोनों की वेपर भी बनेगी, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये ए की वेपर को दिखाया, बी की वेपर को अपन ब्लू कलर से शो कर रहे हैं इस तरह से, आ गया। अब यहां इनके मोल्स बता देते हैं, मोल्स ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स, इसको अपन डिनोट कर देंगे इससे एन ए से, ठीक है, मोल्स ऑफ बी इसको डिनोट कर रहे हैं एन बी से, ठीक है। यही अब आप मोल फ्रैक्शन भी बता सकते हैं इनके, ठीक है, तो अब एन ए और एन बी इनके अगर मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन के लिए नोटेशन क्या हो जाएगा, एक्स ए एंड एक्स बी, ये यहां पे क्या हो गए, ये हो गए दोनों के मोल फ्रैक्शन, आ गया, ये हो गए मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गई चीजें समझ में आ रही है ना। ये ए के मोल्स एन ए, ये बी के मोल्स भी बताने, इसके अंदर लिए हमने एन ए मोल्स ए के लिए, एन बी इसके, और उन्हीं से यहां के इनके मोल फ्रैक्शन बन गए, ठीक है। अब आ रहे अपन ऊपर वेपर फेज में, वेपर फेज में अगर बात करें तो देखो, अब वेपर फेज में क्योंकि मिक्सर है ना, मिक्सर है, दो कंपोनेंट का मिक्सर हो गया ए और बी का, दोनों की वेपर है, तो दोनों की वेपर है तो किसी भी एक का प्रेशर जो बोला जाएगा, अब वो किसकी टर्म्स में बोला जाएगा, पार्शियल की टर्म्स में, किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर अब कैसे बोलेंगे अपन, पार्शियल की टर्म्स में बोलेंगे। तो अगर अपन को बोलना है क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसको डिनोट कर रहे हैं पी ए से, पी ए क्या लिखे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, आ रहा समझ में, ठीक है। साथ में मोल फ्रैक्शन भी शो कर देंगे, वाई ए एंड वाई बी, ठीक है, वाई ए ये वाई ए क्या हो गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, अरे बात समझ में। सिमिलरली वाई बी क्या बोला जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, ये वेपर फेज के, ध्यान रखें एक्स ए एंड एक्स बी लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सब चीजें पूछी जाएगी, तो न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा कि लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन बताओ, लिक्विड फेज का कंपोजिशन बताओ, तब तो आपको कैलकुलेट करना है क्या एक्स ए एक्स बी, आपसे पूछेगा वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन बताओ, वेपर फेज के कंपोजिशन को बताओ, तो आपको वाई ए वाई बी कैलकुलेट करना है, अरे बस समझ में। तो इसलिए इनका ध्यान रखना, नोटेशन सिंबल्स वगैरह आपको अच्छे से पता रहने चाहिए।
हाँ जी, अब पी ए पी भी दोनों के बाहर से वेपर प्रेशर हो गए, ठीक है। अब दोनों ही प्रेशर लगा रही, ए वाला कंपोनेंट भी लगा रहा है, बी वाला कंपोनेंट भी लगा रहा है, तो अब पूरा ओवर द सॉल्यूशन, यानी पूरे ओवर द सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो ए और बी दोनों का सम करके बन रहा है। तो अगर आप टोटल वेपर प्रेशर की बात करें पी एस, तो पी एस क्या होगा, दोनों के सम के अकॉर्डिंग होगा पी एस प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो, ठीक है। दोनों के सम के पी एस ही बोल सकते हो आप, इसको पी टोटल भी बोल सकते हो, पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, पी एस को क्या बोल सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो पी एस जो होगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्या, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो, ठीक है। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो के अकॉर्डिंग ये दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आ गए। आ रही है बात समझ में इतना, है ना, पी ए पी बी बन गए, दोनों प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर दोनों के सम के इक्वल होगा, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। बट अब अकॉर्डिंग टू रॉड्स लो, अब देखो बट अकॉर्डिंग टू रॉड्स लो, रॉड्स लो के अकॉर्डिंग क्या था, क्या बताया गया था कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर जैसे आप बात करें पीए की, अगर मैं लिखूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है ना ओवर द सॉल्यूशन, जिसको भी अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, पीए से, किससे डिनोट कर रहे हैं पी ए, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, एक्स के, ये तो है नॉट स्लो, पीए डायरेक्टली किसके, एक्स के, पी ए डायरेक्टली आ गया एक्स ए, ठीक है। और इसी को फिर आप क्या कर सकते हो, पी ए और पी ए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट होगा पी नॉट ए। अब ये पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है कंपोनेंट ए का प्योर फेज में, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में, जैसे ए अगर वाटर है, ए अगर सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का प्योर, मतलब प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो है पी नॉट ए। और किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है, सॉल्वेंट का, किसी सॉल्वेंट का बोल दो या लिक्विड का बोल दो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, तब ये पी नॉट ए यहाँ पे क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, तो ये तो हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ए का। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ किसका, बी का, पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, कंपोनेंट बी, तो अब डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, ठीक है, पी बी इक्वल टू क्या, पी नोट बी एक्स बी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये पी ए बन गए, पी ए पी नोट ए एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ठीक है, और पी बी पी नोट बी एक्स बी। आ गया समझ में, यहां पर है रॉड्स लॉ का, मिल गया पी ए डायरेक्टली एक्स ए, पी बी डायरेक्टली भी एक्स बी था, मैं इधर लिख देता हूं, पी बी डायरेक्टली एक्स बी, ठीक है, और उसी से यह आ गया कॉन्स्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन पी नॉट बी, ठीक है, जो कंपोनेंट है उसी का कॉन्स्टेंट आएगा, पी ए में पी नॉट ए और पी बी में पी नॉट बी। आगे बात समझ में, ठीक है, ये तो इनके बन गए पार्शियल वेपर प्रेशर। अब हमको वापस वही करना, पी टोटल बनाना है, पी एस बनाना है, जो कि दोनों के सम के इक्वल है, तो दोनों में सम करेंगे, तो बस पी ए पी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आ रही बात समझ, तो वो अपन करते हैं, पहले देखो इतनी सारी ये सब चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, आ गया, चलो बढ़िया, आओ आओ देखो नेक्स्ट अपने इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी आ चुका है, और पी ए हमारा पी नॉट ए एक्स ए था, पी बी पी नॉट बी एक्स बी था, इस तरह से पी एस की एक इक्वेशन ये बन जाती है ना। अभी सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे अपने, ठीक है, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम वन होता है ना, पता है ना तो, कि मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है, तब तो आप किसी भी एक को यहां से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। तो अगर मान लीजिए आप एक्स ए ले लो, एक्स ए ले रहे हो तो क्या लिखोगे, वन माइनस एक्स बी, अगर आप एक्स बी ले रहे हो तो वन माइनस एक्स ए हो जाएगा। सपोज कि आपने एक्स बी की वैल्यू यहां पुट कर दी है,
एक्स बी की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, तो पी एस अब हमारा क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी वन माइनस एक्स ए। ठीक है, अब यहां से इसमें इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, फिर कॉमन ले लेंगे पी नोट ए, ये पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, अब एक्स ए वाली टर्म को एक साथ करके एक्स ए कॉमन ले लेते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं पी एस इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी, आधी बात समझ में, ये एक्स एक्स वाली टर्म कॉमन कर दी, एक्स ए कॉमन हो गया अपना प्लस पी नोट बी आ गया, तो ये इस तरह से अपना फाइनल इक्वेशन बन जाती है, आधी बात समझ। ठीक है, तो क्या किया, पी एस था दोनों का सम किया, दोनों की वैल्यू डाल दिए, पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी एक्स बी, फिर एक्स ए एक्स बी किसी भी एक को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो अपने एक्स बी को रिप्लेस कर दिया वन माइनस एक्स से, वन माइनस एक्स डाला ओपन किया और ये आया समझ में, आगे इतनी बात समझ। अब इन सब हमको न्यूमेरिकल मिलेंगे, अब आपको न्यूमेरिकल किस तरह से मिलेंगे, आपको जैसे पी एस आपको किसी क्वेश्चन में क्या करेंगे पी एस पूछेंगे टोटल वेपर प्रेशर, उसके लिए आपको प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर दे देंगे और किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन या मोल या मास इन ग्राम दे देंगे, मतलब मास इन ग्राम दोनों के दे देंगे, मास इन ग्राम दोनों के दे देंगे, तो फिर बस उसी से मोल फ्रैक्शन बना के और पी एस कैलकुलेट कर लेंगे। आधी बात समझ में, और भी क्वेश्चन बन जाएंगे क्या आपसे, क्या कर लेंगे टोटल दे देंगे, है ना, टोटल दे देंगे दोनों का भी दे देंगे, फिर कंपोजिशन पूछेंगे, कंपोजिशन पूछेंगे लिक्विड फेज के, लिक्विड फेज का पूछेंगे, यानी कि अब वो पूछ रहे हैं आपसे एक्स ए एंड एक्स बी, तो अगर आपको पी एस गिवन है, पी नोट ए गिवन है, पी नोट बी भी गिवन है, तो आप यहां से एक्स ए बना सकते हो, एक्स ए अगर आपके पास आ जाएगा तो एक्स ए अगर आ गया तो वन माइनस एक्स ए करने से एक्स बी भी आ जाएगा, तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल अपन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये सारी बातें समझ में आ गई है ना, चलो बढ़िया, ठीक है, इक्वेशन भी आ ही चुकी है पीएस की, अब अपन इसी का क्या करते हैं ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इससे, ना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो फाइनल इक्वेशन अपनी क्या आ चुकी है, देखो इक्वेशन अपनी आ चुकी है पीएस की, तो इससे अपन ग्राफ बना रहे हैं, पीएस इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी, ये बनती है। ठीक है, अब इससे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, इसको पहले कंपेयर कर लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की सिमिलर है, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो अब y एक्सिस पे आप प्रेशर ले लेंगे, x एक्सिस पे क्या, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन चलेंगे, ठीक है, और c इंटरसेप्ट हो जाएगा और m क्या स्लोप बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनेगा इसका, देखो ये लीजिए इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, देखो अब इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस के अलावा अपन रख रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, क्या रख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी ग्राफ इस तरह से क्यों बन रहे हैं, इस शेप का ग्राफ क्यों बन रहा है, अभी समझते हैं, देखो इस एक्सिस पे हमने लिया हुआ है वेपर प्रेशर, ठीक है वेपर प्रेशर, अब यहां से बात शुरू करते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन यहां पे एक्स ए, एक्स ए के मोल फ्रैक्शन यहां पे जीरो है और इधर चलेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इंक्रीज होंगे, यहां पे फाइनल कितना हो जाएगा एक्स ए वन, ठीक है वन से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब अगर एक्स ए यहां जीरो है तो एक्स बी यहां क्या होगा, एक्स बी वन होगा और एक्स बी यहां पे यहां क्या होगा जीरो होगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसके मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, एक्स ए के, ए के यानी एक्स ए इंक्रीज हो रहा है। अब एक्स ए अगर इधर इंक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक्स बी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना है वन है, अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे कम होगा, आ गया, तो अगर ए के बढ़ रहे तो बी के कम होंगे, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या सेम डायरेक्शन में डिक्रीज नहीं होंगे, आ रही बात समझ। तो एक्स ए अगर बढ़ रहा है तो एक्स बी कम हो रहा है, इसलिए जब एक्स ए जीरो है तो एक्स बी वन है और जब एक्स ए वन है तो एक्स बी जीरो है, इसलिए ग्राफ इस तरह का बनेगा दोनों कंबाइन करके। ठीक है, अब सिंगल सिंगल फॉर्म में ग्राफ बना रहे थे पहले, है ना, अगर आप सिर्फ ओनली पी ए का ग्राफ देखो तो पी ए की इक्वेशन क्या थी, पी नोट एक्स, पी नोट एक्स था ना, तो अभी सिंपल सी बात है वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बन जाना है, तो पी ए का ग्राफ बनाते हैं यहां से, एक्स ए इधर इंक्रीज हो रहा है ना
तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे पी ए इंक्रीज करोगे। चलो ये क्या ये ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है वो किसके लिए, पी ए के लिए। पी ए यानी कि पी नॉट ए एक्स ए, आगे समझ में, ठीक है। ये पी ए का ग्राफ था। अब पी बी, पी बी का ग्राफ ये पी बी का ग्राफ है, ठीक है। में अब इस डायरेक्शन में पीबी बढ़ रहे हैं, ये इधर एक्स ए बढ़ पी ए बढ़ रहा था, तो इधर कौन बढ़ रहा है, इधर पीबी। पीबी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, आरिवासन में। अब थोड़ा सा ये देखना इनके लास्ट जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर देखें तो पी ए इक्वल टू क्या चल रहा है, पी नोट ए एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए है। और यहां इस पॉइंट पर पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए के, क्योंकि एक्स ए तो क्या हो चुका है वन। तो जब एक्स से वन हो जाएगा तो पी और पी नोट ए इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है इसकी, प्योर फॉर्म है। सिमिलरली आप जब इधर आओगे है ना पीबी के लिए, तो इस पॉइंट पर पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट पर अगर पीबी की बात करें तो वो हो जाएगा पी नोट बी के इक्वल, आ गया, क्योंकि अब यहां पर एक्स भी वन हो गया, आ गया। ये दोनों के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर है, ये दोनों के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर है। अब एक और बात है यहां पर, कि ए का तो ग्राफ ऊपर जा रहा है और बी का ग्राफ नीचे रुक गया, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में से कौन ए जो है वो मोर वोलेटाइल है। अरे बस समझ में, ठीक है। तो अब बात ये आ रही कि इसका ग्राफ ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसका नीचे आ रहा है, तो उसके लिए रीजन ये है कि अपन क्या कि ए को अपन ने क्या लिया, मोर वोलेटाइल लिया। तो जो मोर वोलेटाइल उसका ग्राफ ऊपर जाएगा और जो लेस वोलेटाइल उसका ग्राफ नीचे रुक जाएगा, है ना। साइड ग्राफ मेंशन कर देते हैं, अपन साइड मेंशन करते हैं। ए जो कंपोनेंट ए है इज मोर वोलेटाइल देन, मोर वोलेटाइल देन बी, आगे बात समझ। जो ए कंपोनेंट है हमारा वो बी कंपोनेंट से मोर वोलेटाइल है, इसलिए ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से, आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये पी ए हो गया, ये पी ए की लाइन हो गई, ये पीबी की लाइन हो गई। ये तो सिंगल, ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। तो पी ए का बनाया, सिमिलरली पीबी का बना लिया, जैसे पी ए का बनाया वैसे पीबी का बनाया अपने, ना साइड में अगर पीबी के लिए भी अगर अपन लिखे इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, पीबी इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। और इसको ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेयर करके और एक साथ बनाया। आपको ये तो समझ में आएगा होगा कि दोनों ग्राफ एक साथ क्यों बनाए गए, एक ही प्लॉट एक ही जगह क्यों प्लॉट किए गए, क्योंकि अगर एक का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा, इसलिए दोनों साथ बना रहे। अब आ रहा है पीएस, यानी अब हमको इस इक्वेशन को के अकॉर्डिंग ग्राफ देखना है, पीएस वाला ग्राफ। तो पीएस की लाइन कहां जाएगी, तो स्लोप जो दिख रहा है एम वो लाई कर रहा है पी नॉट ए और पी नॉट बी के डिफरेंस के बीच में, है ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो स्लोप जो है इनके बीच में रहेगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में रहेगा। तो अब पी नोट बी, पी नोट ए वाला पॉइंट अपना ये, पी नोट बी वाला पॉइंट ये अपना। तब जो इस ग्राफ का पीएस वाले ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो इनके बीच में रहेगा। तो फिर अब अपना ग्राफ यहां से यू, आ रही बात समझ में। अब ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ की है वो किसकी लाइन है, वो पीएस के लिए, ये पीएस की लाइन हो गई है। पीएस जिसकी इक्वेशन क्या है, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी, आगे समय में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसको सेपरेटली, अब आप केवल इसको अगर कंसीडर कर रहे हो पीएस, तो ये तो इसका इंटरसेप्ट हो गया पी नॉट बी जो कि सी के सिमिलर है, ठीक है। इंटरसेप्ट एक्स ए, एक्स ए बनी रहा है, ठीक है। और ये दोनों का स्लोप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, अगर मैं इस ग्राफ को सेपरेट करके अगर आपको शो करूं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लो मैं साइड में कर लेता हूं, ये आगे समझ में। अब पीएस वाला का थोड़ा सा अपन अलग से लेके कर लेते हैं। अगर ओनली पीएस का ग्राफ अगर अपन शो करें तो इस इक्वेशन को कैसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो ये देखो, अगर पीएस का ग्राफ बना रहे अपन ओनली पीएस का, ठीक है। तो देखो इस एक्सिस पे क्या लिया है हमने, पीएस लिया है, पीएस लिया नहीं, ये हमने यहां पे पीएस लिया है, ठीक है। ये पीएस हो गया, वाई एक्सिस के सिमिलर कौन हो गया, पीएस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन चल रहा है, एक्स ए, तो यहां आपने ले ली एक्स ए, ठीक है। सी इंटरसेप्ट है, सी इंटरसेप्ट है, तो ये लो इंटरसेप्ट है ना, जो किसके इक्वल है, पी नॉट बी के इक्वल है, पी नॉट बी के इक्वल। और अब इसका स्लोप कैसा है, एम आगे साइन क्या लग रहा है, पॉजिटिव है ना। बाकी वो तो देखो डिपेंड करेगा
कि पॉजिटिव आएगा, फाइनली पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो तो दोनों के दोनों में से कौन मोर वोलेटाइल है, बट अभी अपना कौन ए मोर वोलेटाइल है, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट पी नोट बी का लगा हुआ है ही, तो ग्राफ अब क्या होगा, अपवर्ड जाएगा और इस तरह से अब ये वो ग्राफ है जो अपन यहां अलग से शो कर रहे थे, मैं फिर यहां लिख देता हूं, पी एस इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी आ गया, ये तो ये ग्राफ है पी एस का जो अपन ने यहां शो किया उसी को अलग से बना के मैंने दिखाया, आगे समझे अलग से बनाने होता है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का हटा दो, अगर ये यहां से हटा दो तो ये वाला है उसको अपन ने इस इक्वेशन से जस्टिफाई कर दिया है, आगे बात समझ में, ये था ग्राफ इसका, ठीक है। अब ये ग्राफ हो गया, अब इस ग्राफ से आप कुछ चीजें आप कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन है, है ना, तो दो तीन कंक्लूजन है वो अपन बना सकते हैं, कैसे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीएस है ना, जो किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, देखो वन कंपोनेंट कैसे, अभी तो किसके डायरेक्टली दिख रहा है, अगर वाई इक्वल्स टू एमएक्स के अकॉर्डिंग देखें तो वाई डायरेक्टली एक्स के, तो पीएस डायरेक्टली किसके, एक्स ए के, पीएस किसके डायरेक्टली हो गया, एक्स ए के डायरेक्टली हो गया, यानी पीएस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स ए यानी ए के मोल फ्रैक्शन पे, इसी तरह से पीएस बी पे भी डिपेंड कर रहा है, वैसे आप समझ ही सकते हो कि अगर एक्स ए पे डिपेंड कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो एक्स बी पे भी डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स ए क्या होता है, वन माइनस एक्स बी, तो अगर वो ए पे डिपेंड कर रहा है तो बी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि पीएस जो है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है ना ओवर द सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है या डिपेंड कर रहा है किस पर, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे, एक्स ए या एक्स बी किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड करने का पैटर्न क्या, उसका पैटर्न है लीनियर पैटर्न, लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं, पीएस पी एक्स ए के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, हरी बात समझ में, फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, पीएस जो है वो किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, अभी यहां देखें इस इक्वेशन से लग रहा है, इस इक्वेशन से देखें तो पीएस डिपेंड कर रहा है एक्स ए पे, बट अगर अपन एक्स ए की जगह पे एक्स बी रखते है ना, वन माइनस एक्स ए ना रख के वन माइनस एक्स बी करते तो यहाँ एक्स बी आता, या आप यू भी बोल सकते हो कि अगर एक्स ए पे डिपेंड कर रहा है तो वन माइनस एक्स बी की वजह से एक्स ए की वजह से तो वो एक्स बी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक पे डिपेंड करेगा, और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसे लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे बनता है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या लीनियरली वेरी करता है किसी भी एक कंपोनेंट के आइदर एक्स ए और एक्स बी, आगे बात समझ में, तो एक तो कंक्लूजन ये बन जाता है, एक और कंक्लूजन बन जाता है कि अगर आप एक्स ए को है ना, अगर एक्स ए किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, एक्स ए को आप बढ़ा रहे हो, तो पी एस बढ़ेगा या कम है ना, इधर इसको ग्राफ आगे ना समझ में, ठीक है, तो अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसके, इक्वेशन को दोबारा लिखते हो फिर करते हैं, पी एस इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एक्स ए को आप इंक्रीज करोगे है ना, यानी ए के मोल फ्रैक्शन अगर अपन ने इंक्रीज किए तो पी एस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो अब ये एक्स ए के साथ विद एक्स ए पी एस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा इस डिफरेंस पर, किस पे डिपेंड करेगा, इस डिफरेंस पर, कैसे डिपेंड करेगा, इन दोनों की प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर पे, कैसे, इफ इसमें दो केस मिलते हैं, इफ पी नोट ए, अगर पी नोट ए ग्रेटर है किससे, पी नोट बी से, यानी कि ए अगर मोर वोलेटाइल है, अगर ए मोर वोलेटाइल है तो ये हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए ग्रेटर देन पी नोट बी, और तब ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये डिफरेंस तब फिर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तब स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव अगर आएगा तो विद एक्स ए पी एस तब क्या होगा, इंक्रीज, तो इस केस में एक्स ए इंक्रीज करने से, एक्स ए को इंक्रीज करने से पी एस भी क्या होगा, पी एस भी इंक्रीज होगा, आगे समझ में। उल्टा केस हुआ, इफ पी नोट ए कम हुआ पी नोट बी ग्रेटर हुआ, ठीक है, तब एक्स ए को इंक्रीज करोगे तो फिर पीएस क्या होगा, इस केस में पीएस इस केस में डिक्रीज होगा, क्यों, कि अब दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो एक्स ए को बढ़ाने से पीएस क्या होगा, डिक्रीज होगा, आगे बात समझ में।
तो ये फर्स्ट केस अपन ने देखा लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन और उनके वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और किस तरह से वो मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी कर रहा है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीजें ठीक है। अब इसी में छोटी सी बात एक और आती है कि ये सारे मोल फ्रैक्शन अभी चल रहे हैं कौन से, अपने लिक्विड फेज के। अब अपन को इसी में क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करो ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है इसमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ठीक है। इसी केस का एक और पार्ट है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ठीक है, या फिर आप ले सकते हो क्या कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, क्या बोला जाएगा कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो कंपोजिशन का मतलब ही क्या है यहाँ पे अपना, कंपोजिशन से मतलब हमारा होगा मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन है ना ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन निकालना आगे ही बात समझे। और कैसे निकालेंगे तो ये हमने स्टार्टिंग में देख लेता हूं, सिंस क्या पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल सिंपली लेते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर जो होता है हमको पता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का फॉर्मूला लिखते हैं है ना, जो 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से हमने डिराइव किया था ठीक है। तो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, टोटल प्रेशर आगे ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का टोटल प्रेशर आ गया। अब ये चीज आपको यहां लगानी है वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन के लिए, तो क्या करो पार्शियल प्रेशर है इसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, गैस के लिए भी क्या कर देंगे वोलेटाइल कंपोनेंट, क्या कर देंगे वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट ठीक है। तो यहां क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस के लिए दैट वोलेटाइल कंपोनेंट ठीक है, और टोटल प्रेशर के लिए भी हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर आगे बात समझे। तो वही है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है, इसको वेपर के लिए लगा दिया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट इनटू टोटल वेपर प्रेशर आगे। अभी जो मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं उस वोलेटाइल कंपोनेंट के वो कौन सी फेज के होंगे वेपर फेज के होंगे, तो आप इसमें और लिख सकते हो इन वेपर फेज, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके थे गैस के थे ना, गैस मतलब वेपर, गैस वेपर के सिमिलर है तो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन आगे समझ में ठीक है। तो अब यहां से हमको ये चीज कैलकुलेट करनी है ना, तो अपना जो अभी जो काम है वो क्या करना है कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज यानी ये चीज अपन को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो अब मैं इसको पहले नोटेशन के फॉर्म में लिया, नोटेशन के फॉर्म में सपोज कि मान लो आप कंपोनेंट ए के लिए काम करने वाले हो, किसके लिए ए के लिए, किसी भी एक के लिए कर सकते हो, तो अपन ए के लिए निकाल लेते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए, तो उसका सिंबल क्या था पीए था, क्या था पीए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए का तो ये था ना पीए ठीक है। फिर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट दैट वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी कि ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या था सिंबल वाई, वाई था ना, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर यानी कि पी एस या पी टोटल, यही था ना पी एस या पी टोटल, और ये था हमारा वाई ए, तो बस अब अपन यहां रख दिया पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी एस, ये आ गया। अब यहां से हमको वाई ए बनाना है, वाई ए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी एस ठीक है, और पी ए, पी ए जो फिर किसके इक्वल है पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी एस। तो इस तरह से ये अपने ए के मोल फ्रैक्शन बना लिए वेपर फेज में ठीक है। इसी तरह से सेम आप क्या कर सकते हो बी के लिए भी यही काम करोगे, तब बस यहां पे बी हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू वाई बी, ये पी एस ही रहेगा, तो वही वाई बी पी बी अपॉन पी एस और पी नोट बी एक्स बी अपॉन पी एस, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उसको ठीक है। और वाई बी के लिए अगर आप लिखो तो क्या लिखो पी बी अपॉन पी एस ठीक है, और पी बी फिर क्या है पी नोट बी एक्स बी अपॉन पी एस आ गया, ये वाई बी ठीक
ठीक है। वैसे हमको वाई भी इस तरह से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने वाई ए बना लिया है तो बस सिंपल सी बात है, अगर वाई ए बना लिया तो वाई बी के लिए कुछ भी नहीं करना। वाई बी के लिए क्या कर देना आपको, वन माइनस वाई ए, क्योंकि हमको पता है मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है। तो किसी भी एक के आ गए हैं तो दूसरे के फिर अपन बनाए लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपोजिशन ऑफ पेपर फेस खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर भी, आ गया। तो ध्यान रहे कि वेपर फेस के जो मोल फ्रैक्शन के सिंबल है वो ए वाई ए वाई मतलब कि वाई के टर्म से ली जा रहे हैं, और जो लिक्विड फेस के जो मोल फ्रैक्शन सिंबल है वो एक्स के टर्म से ली जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करके और सीधे सीधे अपन ने ये बना लिया। ये हमारे पास पहले से हो ही चुके होंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल में जब वाई ए वाई भी पूछेंगे तो हमको पहले ये सब बने हुए होंगे या गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो पहले से कैलकुलेट करवा लेंगे या पहले से गिवन हो गई तो फिर हम वाई ए वाई भी बना लेंगे। जब अपन न्यूमेरिकल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपना फर्स्ट केस अब अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। टोटल दो केस इसमें आएंगे, एक तो ये हो गया। सेकंड केस अपन देखेंगे कौन सा, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन देखेंगे, फिलहाल ये देखो ये आगे समझ में।